जंगल की अनोखी दोस्ती। घने जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। हर जानवर का अपना इलाका था और वे एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते थे। उस जंगल में एक नन्हा हिरण चीकू और एक भूरे रंग का भालू गोलू रहता था। चीकू बहुत तेज दौड़ता था और गोलू बहुत ताकतवर था, लेकिन वह थोड़ा आलसी भी था। दोनों अक्सर जंगल में एक दूसरे को दूर से देखते, लेकिन कभी बात नहीं करते थे। एक दिन चीकू जंगल के किनारे खेल रहा था। अचानक उसने देखा कि एक नदी के किनारे गोलू एक पेड़ से शहद निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था और गोलू बार बार फिसल रहा था। चीकू ने सोचा, गोलू बहुत बड़ा और ताकतवर है, लेकिन मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। चीकू ने नदी के पास उग रही लंबी बेल को खींचकर गोलू को दी। गोलू ने बेल की मदद से पेड़ पर चढ़कर शहद निकाल लिया। उसने चीकू को धन्यवाद कहा और शहद में से कुछ उसे भी दिया। यह उनकी पहली बातचीत थी। इस घटना के बाद चीकू और गोलू ने धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करना शुरू किया। चीकू तेज दौड़ने में गोलू की मदद करता और गोलू चीकू को सुरक्षित रास्ते दिखाने के लिए अपने अनुभव साझा करता। उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर होने लगी। एक दिन जंगल में एक शिकारी आ गया। वह बड़े जानवरों का शिकार करता था। गोलू और चीकू को उसकी खबर लगी तो वे तुरंत मिलकर जंगल के अन्य जानवरों को सावधान करने लगे। जब शिकारी ने जाल बिछाया तो चीकू ने अपनी तेज चाल से शिकारी को गुमराह किया। दूसरी तरफ गोलू ने अपने मजबूत पंजों से शिकारी का जाल तोड़कर जानवरों को आजाद कर दिया। उनकी टीम वर्क देखकर सारे जानवर हैरान रह गए। शिकारी के जाने के बाद जंगल के जानवरों ने चीकू और गोलू की खूब प्रशंसा की। अब सभी जानवर समझ गए थे कि दोस्ती के लिए आकार, ताकत या गति का कोई महत्व नहीं होता। गोलू और चीकू की दोस्ती ने जंगल में एकता का उदाहरण पेश किया। दोनों ने मिलकर यह सिखाया कि मिलजुल कर काम करने से बड़े खतरे को हराया जा सकता है। यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि दोस्ती आकार, ताकत या अन्य भौतिक गुणों पर निर्भर नहीं करती। सच्ची दोस्ती भरोसे, सहयोग और परवाह पर आधारित होती है। यदि आप इसे और विस्तृत करना चाहें तो जानवरों के संवाद, जंगल का विवरण और उनके कारनामों को और गहराई से जोड़ा जा सकता है। शिनी इब्बा कस्ते अच्छी ज्ञान में।